अफगानिस्तान में तालिबानी आकाओं के खिलाफ अफगानिस्तान की आवाम ने मोर्चा खोल दिया, जिसके बाद सेना के हौसले बुलंद हो गए हैं। तालिबान की बढ़ती ताकत के बीच अफगानिस्तानी सेना ने गुरुवार को पश्चिमी प्रांत की राजधानी को फिर से अपने अधीन कर लिया है। एक दिन पहले ही इस पर तालिबान ने कब्जा किया था। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि सैकड़ों की संख्या में सुरक्षा बलों को यहाँ भेजा गया है। कुछ जगहों पर अभी भी तालिबान के लड़कों के साथ जंग जारी है। इसमें बदगीस प्रांत की राजधानी कालाए नव शामिल है, जिसकी सीमा मध्य एशियाई देश तुर्कमेनिस्तान से लगती है। तालिबान ने बुधवार को इस शहर की कुछ सरकारी इमारतों को कब्जे में ले लिया था, जिसमें पुलिस मुख्यालय भी शामिल था। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की 20 साल बाद वापसी हो रही है, जिसे तालिबान अपनी जीत के तौर पर देख रहा है। अमेरिका ने 11 सितंबर को अपने सैनिकों की वतन वापसी की घोषणा की थी, जिसके बाद तालिबान ने हमले तेज कर दिए। ये संगठन देश की मुख्य प्रांतों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर रहा है। उसे रोकने के लिए सेना भी काफी संघर्ष का सामना कर रही है। तालिबान ने अभी तक 100 जिलों पर कब्जा जमाए हुआ है। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता फवाद अमान ने कहा कि राजधानी शहर पूरा हमारे नियंत्रण में है और हम शहर के बाहरी इलाकों में तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन चला रहे हैं। मंत्रालय ने कहा कि कालाए नवा में कुछ ताज़ा ऑपरेशंस में लगभग 69 तालिबानी आतंकी मारे गए हैं। इसके साथ ही सरकारी सुरक्षा बलों ने इनके हथियार और गोला बारूद भी जब्त कर लिए हैं। हालांकि बाकी का बगदीस प्रांत अभी भी तालिबान के हाथों में है। पश्चिमी सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि तालिबान ने देश के 100 से ज़्यादा ज़िलों पर कब्जा किया हुआ है। वहीं तालिबान ने दावा किया है कि देश के 34 प्रांतों के 200 ज़िलों को उसने अपने कब्जे में ले लिया, यानी कि देश के आधे हिस्से पर तालिबान का कब्जा है, जबकि बाकी के शहर और प्रांतीय राजधानियों पर सरकार का नियंत्रण है। 2001 में कट्टरपंथी इस्लामी तालिबानी सरकार को बेदखल करने के साथ शुरू हुए अमेरिकी हस्तक्षेप का अब आखिरकार अंत हो रहा है। तालिबान ने उत्तरी प्रांतों में बड़ी सफलता हासिल की है। सरकार और विद्रोहियों के बीच शांति वार्ता ठीक तरह से नहीं हुई, कभी बातचीत हुई तो कभी अचानक रुक गई। अब अमेरिका के जाने के बाद यहाँ गृह युद्ध छिड़ गया है। इस युद्ध में तालिबान के खिलाफ महिला बच्चों सहित महिलाओं ने सेना के समर्थन में हथियार उठाए हैं। बहरहाल, इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, दो गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।